गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ धीरज, मुझे याद है आज तुम्हारी परफॉर्मेंस है। बच्चों इस चैप्टर को सब कर रहे हो अच्छे से? अच्छा, मतलब बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है, मतलब और दोनों एग्जाम्स में, मतलब सारे एग्जाम्स में इसकी बहुत अच्छी वेटेज भी है, तो मतलब मैं तो इसको ऑलमोस्ट ना, मतलब जैसे आपको अभी रिवीजन में भी बताऊंगा, तो ये टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में आता है कि जिसका क्वेश्चन तो पक्का करना ही करना है पहले। हाँ जी बच्चों, XI0 डी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन स्क्वायर बाय जेड के, है ना? तो ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम है, वो देख लो उसका जेड क्या होता है, हो जाएगा ना उसे। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? वी स्क्वायर बाय आर, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी देख लो एन के साथ क्या बनती है। या इसको इससे भी लगा सकते, निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? फोर्स पे। फोर्स किस पे डिपेंड करती है? 1/r² पे। तो 1/r² की प्रोपोर्शनैलिटी देख लो। स्पर्श क्या कह रहे हो? एनर्जी ऑफ एटम क्या, मतलब क्या कंफ्यूजन है? सर वो एक ना क्वेश्चन में मतलब कंपेयर करने के लिए पूछा हुआ है एनर्जी ऑफ एटम, तो वो पूछा वो क्या होता है। यही जो हम लिखते हैं, 13 पॉइंट माइनस 13.6 जो होती है ये टोटल एनर्जी जो कहते हैं हम। इसको, हाँ टोटल भी कह सकते हैं ना, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी होती नहीं, तो यस सर। हमने हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी लिख ली प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक लिख ली। यस सर। हाँ जी, तो ये ना गलत हम बोल देते हैं, कॉमन नोटेशन में हम ऐसे बोल देते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, वो सिस्टम की एनर्जी होती है, याद करो ना, क्योंकि इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नहीं है ना, वो तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम की है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी किससे निकलेगा? 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π r/v, उससे निकाल लो। टेंथ का आंसर बच्चों गलत है क्या?
अगेन देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब सिस्टम ही होता है, तो बी आएगा ना 10th का। क्या गलत दिया हुआ है? m² से भी होगा, Is it? वो मेरे ख्याल से मॉड कंपेयर कर रहे हैं उसका। अच्छा नहीं सॉरी, अच्छा हाँ बी थोड़ी आएगा, यू क्या होता है z² बाय n² होता है ना, हाँ तो ए ही आएगा। नहीं, पर नेगेटिव भी तो होता है। नहीं वो तो चलो ठीक है, वो तो ऑप्शन से आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ही है, मतलब कैसे? ऑप्शंस में वो ये तो पता चल ही रहा है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जब हम पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव साइन को लेकर करते होते हैं, हाँ करेक्ट, तो मैं ये बी कह रहा हूँ कि जो ऑप्शन। ऑप्शंस हैं इनमें, हाँ इन ऑप्शंस में तो मतलब वो तो जो आप कह रहे हो वो तो हम तब सोचते हैं ना अगर एक ऑप्शन में साइन होता एक में ना होता। यहाँ तो मैंने हाँ मैंने तो ऐसे देखा था भी, अगर एन इंक्रीज करा तो किसमें सही आ रहा, सी बैठ रहा है मतलब आंसर। अच्छा नहीं, वो मत सोचो, ये तो हम मतलब मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं वो। ओके हाँ जी 10th में मतलब ऐसे भी तो करते हैं वैसे, हम ये होती है ना हमारे पास -27.2 z² / n², तो बस उसको क्या करते हैं -27.2 n² को मतलब जो z, उसको पूरा k मान लिया ना, हाँ कि यस पहली स्टेटमेंट ये कह रही है u इक्वल टू k n, उसको पूरा k मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही बात ही होगी कि मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। थर्टींथ तो बच्चों आप सबको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब वैसे हमने आज लिखना था बट आई थिंक सबको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ना। तो बेसिकली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों वो z² / n² पे डिपेंड करती है ना। तो आपको ये पता चल गया कि ए के लिए z² / n² की वैल्यू, मतलब z² / n² इज ग्रेटर देन नहीं n तो 1 ही हो गया, हाइड्रोजन लाइक ही लिखा है और आयनाइजेशन तो ग्राउंड स्टेट से ही होती है। Is it? तो बस आपको ये पता चल गया कि A का Z B के Z से ज्यादा है, तो उससे देख लो आप कौन कौन सी ऑप्शंस बनती हैं। सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड देखो ना, मैग्नीट्यूड वाइज तो ए का कम होएगा पी से, मतलब सॉरी साइन के साथ, उल्टा बोल दिया मैंने, जब आप एनर्जी कंपेयर कर रहे हो तो वो साइन के साथ करोगे। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन बचो? नहीं, हाइड्रोजन लाइक का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन।
17th का आंसर ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों 17th का आ रहा है आंसर। ठीक है अच्छा बच्चों एक ये बात समझो, ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन थी ना पिछली क्लास में, वो कोई कंफ्यूजन नहीं थी। देखो कैसे, हमारे फॉर्मूला में तो वी है ना, जो बेसिक फॉर्मूला है, हमने क्या गड़बड़ कर दी थी, पहले वी को ही, मतलब पहले वी को E से सब्सिट्यूट कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर पुट करके, फिर हम E को पुट कर रहे थे एज एफ बाई टू के टी, तो वो सब तो करने की जरूरत ही नहीं है ना हमें। हम तो सीधा ही इस फॉर्मूला में, जो ये वाला फॉर्मूला है अपना, हम तो इसी में ही वी की वैल्यू पुट करेंगे जो वी आ रहे से। ये बच्चों बात समझ आई? मतलब जब गैसेस होंगी तो हम ई को हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से नहीं लिख सकते थे ना। सोच लो एक बार, गैसेस के केस में ये इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखना गलत हो गया ना बच्चों। हाँ लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी में जो हम वी पुट करेंगे वो आरएमएस स्पीड होगी। ठीक है, तो मतलब कि यहां बच्चों हमें एफ नहीं आएगा, यहां पे थ्री ही आएगा। एक बार बच्चों सोच लो फिर, अगर कोई कंफ्यूजन है। समझो बच्चों एक बार,
हमारा लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? एच बाय एम वी, राइट। अगर मैं कहूं कि हमें गैसेस के लिए निकालना है लैम्डा, तो आप क्या कहोगे? आप क्या दोगे? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी आर एम एस, करेक्ट। नाउ व्हाट इज वी आर एम एस? √3 kT बाय एम। तो ये क्या बन गया? क्या ये बात समझ आई बच्चों? जो पिछली क्लास में किया था उसमें क्या गड़बड़ हो गई थी? कि पहले तो हमने ई को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, फिर बाद में ई को F/2 kT लिख दिया। हाँ बच्चों, एक बार प्लीज बताओ मुझे, यस नो, ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो मतलब हमें 3 ही यूज करना है, राइट? कहीं एफ का कोई रोल नहीं है, 3 ही आएगा। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चंस हो गए। इसके क्या आंसर आते हैं बच्चों, बताना कोई मुझे। ये आता है भी, और टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी बताओ बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टेप में गलती की होगी आपने। आप में से बच्चों कितने लोगों ने टोटल एनर्जी का आंसर ये निकाला है? बच्चों इसीलिए ही दिया था ये क्वेश्चन। आप यहां पर ये नहीं यूज कर सकते थे कि आप कह दो कि सीधा सीधा टोटल एनर्जी इज माइनस के ई बाय टू या माइनस के ई जो भी होता है वो जो पिछली क्लास में हमने निकाला था। हाँ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ये कर देते हैं इसमें। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये एक्सप्रेशन बाय चांस ऐसा था कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? वैसे तो हम इस तरह निकालते हैं ना, माइनस एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब इसमें क्या इशू आएगा कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो अमंग अदर टर्म्स एक ln इन्फिनिटी की टर्म आ जाएगी। हाँ तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है हमें कि हम हाफ एमवी स्क्वायर से निकाल ही लेंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा इधर से माइनस इंफिनिटी। तो आप मतलब बच्चों आप में से कुछ लोगों ने अभी आंसर लिखा था वो ln वाला भी लिखा था, तो आपने मतलब सोचा तो ठीक बट बाई चांस एक्सप्रेशन ऐसा था कि हाँ ln इंफिनिटी फंस गया है ना, तो वो तो इंफिनिटी में ही आएगा फिर आंसर। तो इस केस में तो जो टोटल एनर्जी है हमें यही कहना पड़ेगा कि दैट इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, बाय चांस कोई और एक्सप्रेशन होता उससे अगर कोई यू की और कोई फाइनाइट टर्म बन जाती तो वो आंसर आता। ठीक है, तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बच्चों एक बार चेक करो यहां पे प्लस इंफिनिटी आ रहा है माइनस इंफिनिटी आ रहा है। Assuming k dash to be positive. Plus infinity आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस केस में तो by chance आप देख सकते हो कि वो stable bound system ही नहीं बना है ना, क्योंकि plus infinity आ रहा है।
तो ठीक है, मतलब वो तो इस एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है, बट आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज ये ध्यान रखना है कि ये जो एनर्जी वाला रिलेशन होता है ना, वो सिर्फ जो स्टैंडर्ड मॉडल है उस पे एप्लीकेबल है। अगर आप उस मॉडल के अंदर कोई चेंज कर रहे हो कि भाई आपने फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, या आप कुछ भी फंडामेंटल चेंज कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, तो वो एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझिए? इसीलिए मैंने अगला क्वेश्चन दिया था कि इसमें तो क्या होता है कि हम एकदम वी आर टेम्प्टेड टू राइट, किसी दा ही लिख दो, इजंट इट? कितने लोगों ने ये आंसर निकाला था? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब देखो क्वेश्चन देखने में कितना सिंपल लगता है, पोटेंशियल पूछिए अगर टोटल निकाल दो, बट सारी डेरिवेशन डिमांड करता है क्वेश्चन। अच्छा बच्चों चलो, इसमें लिखा नहीं हुआ बट आप ये समझ रहे हो कि U नेगेटिव ही होगा अगर मान लो बाउंड सिस्टम है तो। है ना, तो वो U नेगेटिव अपने आप आएगा, चाहे तो K नेगेटिव होगा, चाहे LN वाली टर्म नेगेटिव होगी, है ना। बट अगर हमें मतलब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड ही है कि वो नेगेटिव होगा। खैर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे समझने के लिए। तो अब आप क्या करोगे, तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर क्या बन गया ये? माइनस के ये बच्चों माइनस के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? एफ में नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होगी तभी घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आना पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव नहीं होगा तो आपकी फोर्स अट्रैक्टिव नहीं आएगी।
ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, बट वैसे जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग. तो अब आप क्या लिखोगे, ये फोर्स हो गई, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के बाय टू. सर ये माइनस के बाय टू नहीं आएगा क्या, ये काइनेटिक एनर्जी? ना सर, के तो नेगेटिव है. नहीं, के नेगेटिव होना क्यों जरूरी है? क्या पता अंदर वाली टर्म जो है, जो आपका आर नॉट है, वो आर से बढ़ाओ. सर जैसे आर नॉट तो फिक्स्ड वैल्यू है कोई, और जो जो आर है हम तो उसे कितना भी वेरी कर सकते हैं. नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में उन्होंने आर की क्या रेंज दी है. एक बार सोच लो बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी को प्लस के बाय टू कहेंगे या माइनस के बाय टू कहेंगे. सर जो ये फोर्स लिखी है फिर उसका माइनस कैसे हटाया आपने? वो तो डायरेक्शन है ना. ये हमें कैसे पता कि के पॉजिटिव है? हाँ, ये स्टेप में हमें ये नहीं पता था कि के पॉजिटिव है, जो थर्ड स्टेप लिखा है. यस दैट्स ट्रू. तो एक मिनट सोचो बच्चों इसको कि मैथमेटिकली कैसे पुट करेंगे. इसको अगर कंफ्यूजन है हमें तो हम एक बार स्टैंडर्ड केस से लेके देखते हैं ना क्या होता है. जो हमारा स्टैंडर्ड केस होता है उसमें हम यू को एक तरह से सम कांस्टेंट के बाय आर लिखते हैं, है ना, जहां पे ये के नेगेटिव होगा. तो इस केस में जब हम फोर्स निकालते हैं माइनस डी यू बाई डी आर, तो ये फोर्स बन जाती है के बाय आर स्क्वायर. तो ये फोर्स अभी नेगेटिव है ना,
वो आनी भी चाहिए क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट बच्चों? अब आप इस फोर्स को किससे इक्वेट करोगे? mv square by r से या minus mv square by r? तो यहां पे हम ये लाइन ना लिखें, हम ये कहें कि टोटल फोर्स नेगेटिव आनी चाहिए, है ना? बच्चों ये बात समझ आ रही है? आप तो इससे इक्वेट करोगे ना नीचे वाले से, तो यू विल से कि के बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर. जिससे काइनेटिक एनर्जी आपकी माइनस के बाय टू आर आ गई. इजंट इट? तो इसका लॉजिक समझो बच्चों, ऐसा क्यों हुआ भाई? ये जो आपका स्टेप है, जो एफ की वैल्यू आई, वो आपके लिए तो अननोन वैल्यू है ना? हम अननोन वैल्यू को तो कोई साइन नहीं देते, या हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव भी मान के चल लेते हैं. इजंट इट? तो जब आप इसको इक्वेट करोगे, जब आप उस पर लगा रहे होगे एफ इक्वल टू एम ए, तो वहां पे एक्सेलरेशन को तो आप माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर लिखोगे ना, क्योंकि वो तो अंदर की तरफ है. फोर्स का हमें साइन पता नहीं है. क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है? मैंने इसलिए इस स्टेप में इसको, मतलब बेसिकली माइनस के बाय आर को माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट किया है. सोच लो बच्चों एक बार. देखो जब तो हमें क्लियरली पता होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, तब तो हम सीधा उनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर देते हैं. जब हमें पता ही नहीं है तो हम उनको साइन के साथ लिखेंगे ना. मान लो मैं आपको ऐसे कहूं कि एक बॉडी है, उसकी एक्सेलरेशन आपको पता है कि 5 इधर को है, इस पे फोर्स बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? आप यही कहोगे ना कि भाई मान लो इस पे अननोन फोर्स है, तो आप कहोगे कि दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस 5 m, और इससे आपको पता चल गया कि ये फोर्स लेफ्ट की तरफ है. हाँ बच्चों. हाँ गोपाल सर, जिसके हमने जब किया f इक्वल टू माइनस du बाय dr, तो हमने ऐसे बोल दिया कि k by r less than 0, तो इससे ये पता लग गया भी जो F है वो attractive force है. किस step पे? जो इससे ये पता चल गया कि F attractive force है, correct. तो attractive force तो nucleus की तरफ ही होगी ना? हाँ बिल्कुल.
तो हम उसकी नेट एक्सेलरेशन को वी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर देंगे। नहीं, आप राइट साइड पे देखो, अगर आप ये करोगे फिर तो आप पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं इक्वेट कर रहे होगे, के हम बाय आर कैसे स्क्वायर तो आपकी नेगेटिव टर्म है ना। हाँ हम नॉर्मली तो क्या होता है कि हमें डायरेक्शन पता होती है तो हम पहली डायरेक्शंस लिख के उसके हिसाब से कर लेते हैं, यहाँ पे हम मैथमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया कि आपका फोर्स का एक्सप्रेशन नेगेटिव है ना, ओके तो या तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो, तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस के बाय आर स्क्वायर, और फिर उसको इक्वेट करो विद एम वी स्क्वायर बाय आर, या आप यस साइन के साथ सीधा सीधा कर दो, है यस सर ना। बच्चों ये बात समझ आ रही है? सर हाँ जी। अब हमारी जैसे काइनेटिक एनर्जी के बाय टू आई, अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता है कि वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती, वो तो पॉजिटिव ही होगी। तो अब यहां से हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि के तो सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ, मतलब इससे तो यही आ रहा है कि के पॉजिटिव है। यस, तो मतलब फिर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया नहीं होना चाहिए कि मतलब के पॉजिटिव। हाँ मैं तो कह रहा हूँ आईडी दिया होना चाहिए था, बट मान लो नहीं दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली उसमें क्या हुआ होगा कि वो आर नॉट की ऐसी वैल्यू होगी सच दैट एलएन वाली टर्म नेगेटिव आ जाए। अब जैसे हमें पता लग गया कि के पॉजिटिव है, तो वो एलन वाला खुद ही नेगेटिव होगा मतलब। हाँ, तभी बाउंड सिस्टम होगा। हाँ जी तो हमारा आंसर बच्चों ये आएगा, ना कि माइनस के बाय टू प्लस के एल एन आर। क्या बच्चों ये बात समझ आ गई सबको? तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, और बच्चों मैं ना ये हर साल कहता हूं, और इस साल आईआईटी में क्वेश्चन आया भी है बिल्कुल ऐसा ही, मतलब उसमें ऐसा कोई साइन का कोई चक्कर नहीं था, उन्होंने जिस तरह दिया हुआ था वो ऑब्वियस था, मुझे ख्याल नहीं है कैसे था, बट बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। बच्चों ये बात समझ आ गई? तो बच्चों हम यस चाहे के ई के एक्सप्रेशन से बता सकते थे कि के पॉजिटिव है, हमने जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा है हम उससे भी बता सकते थे कि के पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो नेगेटिव आनी चाहिए थी, तभी वो अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, और अट्रैक्टिव फोर्स होएगी तभी वो सिस्टम बन सकता है घूमने वाला। ठीक है, सर हाँ जी। अगर हमारे पास जैसे कोई भी जनरल आए के कोई भी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जनरल क्वेश्चन आए, तो हमें मतलब जरूरी है उसको बाउंड सिस्टम ही मानना है? नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया ही ये हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बस उसकी ऐसे सो एंड सो एनर्जी है, तो उसका मतलब तो ऑटोमेटिकली ये हो गया ना कि बाउंड सिस्टम ही है। जी तो मतलब जो इस बार आईडी में आया था वो भी मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन का ही था, मतलब बाउंड हाँ हाँ सिस्टम हाँ का। मतलब वो तो तभी सेंस बनेगी ना, तभी आप ये सारा कुछ कर पाओगे कि अगर जेंडर आप, मतलब क्वेश्चन तो यही बनना है ना कि भाई आपको दिया हुआ है कि जहां पे आप फोर्स को इक्वेट कर सको। यस हाँ जी अदरवाइज तो कुछ और सेंस ही नहीं बनेगी उस क्वेश्चन की।
ओके सर। हाँ जी, तो सर मतलब जैसे इस ऐसा कोई क्वेश्चन आए आगे फ्यूचर में, तो सर मतलब जो मेन बात है वो याद रखनी है कि हमें एफ अगली बार से एफ को माइनस एम ए माइनस एम बी स्क्वायर बाय हाँ वो करना है। यस ओके सर। अगर तो आपको क्वेश्चन में पहले लिखा ही ये हुआ है कि हाँ जी अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था इससे पिछला, यहाँ नहीं करोगे क्योंकि यहाँ तो पहले ही अज्यूम्ड है कि ये आपको अट्रैक्टिव फोर्स ही बताई हुई है जो उस तरफ लग रही है ना। वो तो जब आपको फोर्स अननोन मैथमेटिकल फॉर्म में है तब उसको आप माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट करोगे, राइट? सर ऑलराइट। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने एनर्जी लिख ली थी जो इलेक्ट्रॉन की या सिस्टम की थी, टोटल एनर्जी। तो यहां से बच्चों हम टर्म डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? इसका क्या मतलब होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन या इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, राइट? कि वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से अलग हो जाए। ये टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है। नमन आप यही पूछना चाह रहे हो, कुछ और पूछना चाह रहे हो? जो हम माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बोलते हैं, हाँ के भी ऐड किया है तभी तो हम टोटल एनर्जी कह रहे हैं। टोटल एनर्जी का क्या मतलब है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बस इसमें क्या सर फर्क है? बस कि न्यूक्लियस को हम एट रेस्ट मान रहे हैं तो इसके न्यूक्लियस की काइनेटिक की टर्म जीरो होगी। तो बच्चों अब याद करो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाना है कि हम सिस्टम को अनबाउंड बना रहे हैं, तो बच्चों मैंने आपको एग्जैक्टली यही बात ग्रेविटेशन में भी बताई थी जब हम ग्रेविटेशन में एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हैं कि अगर एक सिस्टम को अनबाउंड बनाना है उसका क्या मतलब है कि आप उसकी टोटल एनर्जी जीरो कर दो, मतलब पॉजिटिव पे तो होगा ही, मतलब मिनिमम कितनी एनर्जी दें जिससे कि वो अनबाउंड बन जाए। तो आयनाइजेशन में बच्चों एक मिनिमम वर्ड भी लगा दो। Which implies कि हम टोटल एनर्जी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब फाइनल,
तो क्या बन गया -13.6 जेड स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. तो आयनाइजेशन एनर्जी बन गई 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों सबको ये बात क्लियर है ना कि टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होती है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है, राइट? तो वो एग्जैक्ट ऑपोजिट इसीलिए ताकि वो उसके साथ मिलके फाइनल एनर्जी को जीरो कर दे. ऑलराइट, फिर बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइट करने की एनर्जी है ना, एनर्जी किसी भी लोअर से हायर ऑर्बिट में मूव करवाने की एनर्जी. तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगी कि आप किस लोअर ऑर्बिट से किस हायर ऑर्बिट में जा रहे हो. तो बच्चों अगर हम कुछ एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करें, जैसे ये हो गया n इक्वल टू 1 जिसपे हमें पता है कि उसकी जो एनर्जी है वो -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगी, है ना? एन तो वन ही हो गया, सॉरी. एन इक्वल टू 2 पे बच्चों यही वैल्यू अगर मैं एन को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो -3.4 जेड स्क्वायर बन जाती है, राइट? और n इक्वल टू 3 पे क्या बन जाती है बच्चों अगर इसको 9 से डिवाइड करते हैं? right? तो बच्चों ये तीन वैल्यूज तो हमने याद रखनी है, ठीक है? और इनके बीच में जो गैप बनता है वो भी याद रखना है. तो दिस इज 10.2 बन गया 12.1. ठीक है बच्चों, तो ये पांच वैल्यूज हमने जरूर याद रखनी है, मतलब ये हमें हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को करने में. ठीक है, तो बच्चों मान लो एक इलेक्ट्रॉन अभी n इक्वल टू 1 पे, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन अभी n इक्वल टू 1 पे है,
लेट अस से हमने उसको 10.2 एनर्जी दे दी, जैसे भी दी, तो क्या होगा वो, तो n इक्वल टू 2 पे चला जाएगा, है ना। मान लो बच्चों मैंने इस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन को ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, फिर क्या होगा, बताओ बच्चों। ओके सो मेरे पास जो आंसर्स आए हैं कि कुछ नहीं होगा, और मेरे पास एक आंसर आया है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ आंसर आए हैं कि वो आधे रास्ते से वापस आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वहां से वापस आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। मान लो बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देता हूं, फिर क्या होगा, अब मेरे पास जो आंसर आए हैं वो n इक्वल टू 2 कुछ भी नहीं, n इक्वल टू 2 में जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, n इक्वल टू 2 पे जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट कर देगा, वो n इक्वल टू 2 से थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर वापस n इक्वल टू 2 पे आ जाएगा। ओके तो अब बच्चों ध्यान से समझो, देखो यहां पे क्या हो रहा है, आप अपनी नॉर्मल मैकेनिक्स लगा रहे हो, ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल मैकेनिक्स यहां लगती नहीं है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच वाला रीजन है, उस रीजन का मतलब क्या है, ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब वहां तो कभी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, राइट। तो क्या हम ऐसी बात कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन आधे रास्ते से वापस आ जाएगा, नो। तो बच्चों होता क्या है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम जैसे मर्जी दें, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू, बट वो सिर्फ वही एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है जिनसे कि वो किसी हायर शेल में जा सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो एग्जैक्टली 10.2 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या वो एग्जैक्टली 12.1 एब्जॉर्ब करेगा, या जो भी उसके ऊपर वाली बनती होगी वो एब्जॉर्ब करेगा। It is not possible for the electron to absorb energies like 5 or 11, ठीक है, क्योंकि उससे वो कहीं in between पहुंच रहा है और वो in between जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो it is like
कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को 10.2 एनर्जी दी, ठीक है, मान लो आपने 10.2 ही दी, तो आपको क्या दिखेगा? लेट अस से यू हैव ऑल द प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो आपको क्या दिखेगा? सोचो. नहीं, आपको दिखेगा क्या एग्जैक्टली? सोचो, अभी आपको इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन पे दिख रहा है, आपने उसको 10.2 एनर्जी दे दी, तो आपको क्या प्रोसेस दिखेगा? क्या आपको इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता हुआ नजर आ रहा होगा? अगर आप कहते हो कि वो जंप करता नजर आएगा, फिर तो फिर वही गड़बड़ कर दी आपने, कि आप उसको ऐसे रीजन में दिखा रहे हो जहां पे वो फॉरबिडन है. तो बेसिकली क्या होगा, वैसे तो इसको विजुलाइज हम कर ही नहीं सकते, बट अगर हम समहाउ विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसा होगा बच्चों कि जब आपने उसको एनर्जी दी, तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो एन इक्वल टू वन से गायब हो गया और उसी इंस्टेंट पे n इक्वल टू टू पे प्रकट हो गया. ठीक है, आपको इन बिटवीन वाला प्रोसेस तो दिख ही नहीं सकता. हाँ, दिस इज लाइक टेलीपोर्टेशन, या जैसे अवेंजर्स एंड एवरीथिंग एल्स, रामायण और सब कुछ, कि एक जगह से गायब हुआ और दूसरी जगह पहुंच गए. नहीं, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ द क्वांटम थ्योरी जो हम कर रहे हैं. नहीं नहीं, दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि रियल लाइफ में पॉसिबल है या कुछ है. मतलब वैसे तो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? मतलब वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको रस्ते में नहीं कहीं दिखता इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यहां से गायब होकर किसी और जगह पे अपीयर हो जाना. ये वो तभी कर सकता है अगर उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल के करिस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो ये हम लिखते हैं. An electron can absorb only those energies by which it can move to any of the higher orbits. अगर आप 10.3 दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा 10.3 को, क्योंकि उसको पता है कि 10.3 से वो कहीं नहीं पहुंचता. एंड बच्चों, आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया था कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर ले, तो वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि हर लेवल पे फिक्स एनर्जी ले सकता है वो. काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स है ना, वही तो हमने ऊपर निकाला है कि हर लेवल पे उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी. तो मतलब आपके पास रहेगी वो एनर्जी, एब्जॉर्ब ही नहीं होगी. इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्जॉर्ब दैट एनर्जी 10.3 वाली.
ठीक है। हाँ बच्चों एक केस है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा दे दी, फिर कोई चक्कर नहीं है। क्यों? अब तो वो ऑर्बिट से बाहर आ गया, अब तो वो कोई भी एनर्जी रख सकता है ना। तो मतलब जैसे मान लो आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 है, आपने उसको 15 दे दी तो क्या होगा? तो 1.4 उसके पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, फिर कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसे रीजन में आ गया जहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी एनर्जी पे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों मान लो इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में आ गया तो क्या होता है? तो वो वहां पे अनस्टेबल ही होता है, तो वो बहुत जल्दी वापस आ जाता है। हाँ जी सर, जो प्लस वन में बोहर मॉडल था ना, उसमें हमने लिखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल में है तो वो अपने आप ना एनर्जी को लूज करेगा ना गेन करेगा, तो जब डीएक्साइट हो रहा तो अपने आप ही हो गया। डीएक्साइट तो होता ही है वो एनर्जी लूज करके। नहीं मतलब अगर वो छाल मार के अगले ऑर्बिटल में गया तो मतलब अपने आप ही वापिस आ जाएगा। हाँ बिना कुछ मेरे करे, मैंने कुछ नहीं करना होगा सब। यस, फिर वो स्टेटमेंट एक उसके फिक्स्ड ऑर्बिटल के लिए थी कि जहां पे वो एटम पहले प्रिसाइजली बना हुआ है उसके अंदर वो अपने आप गेन और लूज नहीं करेगा एनर्जी, वो स्टेटमेंट उसके लिए थी बस। हाँ अगर आपने उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया तो वो वहां पे बहुत हम अच्छा बच्चों हम बात जो कर रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की कर रहे हैं, है ना। मतलब ये सोच के मत कंफ्यूज होना कि भाई असली में तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते ही हैं हायर शेल्स में। हम बात कर रहे हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसमें क्या बिहेवियर होगा। डी एक्साइट में टेलीपोर्टेशन होगी। हाँ तो इट कम्स बैक टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे वापस आना है तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज कैसे करता है वो? फोटॉन्स एमिट करके। हाँ जी सर, जैसे अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी कि वो थर्ड तक पहुंच जाए तो मतलब वो डायरेक्टली थर्ड पे जाएगा कि मतलब पहले टू पे फिर थर्ड पे, ऐसे डायरेक्टली थर्ड पे? मतलब हमें मतलब, टू वाले में कभी मतलब, भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा ना। अगर आपने मतलब उसको 12.1 दी यहाँ पे तो वो सीधा 1 से 3 पहुंच जाएगा।
ओके सर। सर पर मतलब आपने अभी बोला था कि जैसे डीएक्साइटेशन में भी टेलीपोर्टेशन होगा, मतलब पर सर जो सीरीज बनती थी वो तो ऐसी बनती थी ना कि पहले वो फोर्थ भी आता था, थर्ड भी आता था, ऐसे अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे जो सीरीज होती है वैसी ही तो बनती थी मतलब। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि वो सीधा 4 से 1 पे आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बट वो 4 से 3 है मान लो, तो 4 से 3 के इन बिटवीन नहीं दिखेगा आपको, अच्छा ओके सर। ना? तो अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर स्टेट में होता है, ठीक है, मान लो वो 4 पे है, तो अब वो डीएक्साइट तो होगा, बट वो कैसे डीएक्साइट होगा ये प्रोसेस रैंडम है। मतलब अगर आपके पास कोई सैंपल है तो हो सकता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो सीधा 4 से 1 आ गया हो सकता है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 3 आए, फिर उसके आगे 3 से 1 पे आ जाए। हो सकता है कोई और इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, और फिर 2 से 1 पे आ जाए। ठीक है, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 2 पे आ जाए, फिर 2 से 1 पे आ जाए। राइट, तो इनमें से कोई भी पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकती हैं अगर आपके पास एक सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ जी, सर अभी हमने देखा कि अगर एक्साइटेशन हो रही है तो वो 1 से डायरेक्ट 4 जाएगा, तो फिर हाँ मतलब हाँ जब डी एक्साइटेशन हो रही है तो फिर वो 4 से 2 की जा रहा है, फिर उसको 4 से 1 डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। ना, यही फर्क है। अगर आपने उसको रिक्वायर्ड एनर्जी दे दी तो वो तो सीधा 1 से 4 चला जाएगा वो। बट अब जब उसको 4 से वापस आना है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सीधा 4 से 1 ही आए वापस, वो इनमें से कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो जो डीएक्साइटेशन वाला प्रोसेस है वो रैंडम है। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन कोई एनथ एक्साइटेड स्टेट में है, तो हमें कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस दिख सकते हैं? एन सीट अलंकृत, थोड़ा सा गलत लिख दिया आपने, दैट इज एन N-1/2। सर हाँ जी, सर ये तब होता है ना जब ग्राउंड पे आया।
पर सर जनरल तो ग्राउंड पे तो वो आ ही जाएगा ना. यस मतलब अगर वो एक्साइटेड है तो फिर तो ग्राउंड पे तो आएगा ही आएगा. मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल कि एनिक्वली 2 पे ही रह जाए. ओके सर फिर एन इज इक्वल टू 2 पे रुका क्यों? मतलब वहां पे रुक के किया क्या उसने? मतलब वहां पे सिर्फ दिखा था टेलीपोर्टेशन में, रुका नहीं, टेलीपोर्टेशन में दिखा था बस. हां बस हां बच्चों टेक 2 मिनट्स, एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ो और कोई डाउट है तो पूछो. सर सर हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था बताओ. सर ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो 4 से 1 पे आएगा या फिर 4 से 3 ऐसे आएगा? ना ना हमने लिख दिया ना रैंडम, वो हम बता ही नहीं सकते. मतलब अगर आपके पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नहीं बता सकते. ठीक है सर. एंड बच्चों आपको याद होगा दिस इज एग्जैक्टली वाई हमने कहा था कि आप 2 कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बना सकते. क्योंकि आप ये डीएक्साइटेशन कंट्रोल नहीं कर सकते. मतलब एटलीस्ट टिल नाउ, अभी तक तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है. तो बच्चों जो फोटोन निकलेगा अगर हमें उसकी वेवलेंथ लिखनी हो, वो कैसे लिखेंगे हम? अगर वो किसी भी हायर ऑर्बिट में है और उससे वो किसी भी लोअर ऑर्बिट में आ गया, तो जो उसने एनर्जी एमिट की वो EH माइनस EL के करस्पॉन्डिंग होगी, E हायर माइनस E लोअर, जो कि किसके इक्वल होनी चाहिए? HC by lambda, करेक्ट. तो अब जो एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला था हमारा, जो हमने लास्ट टाइम निकाला था, ये वाला माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम. यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये एच सी बाय लैम्डा आएगा बच्चों, मैंने लैम्डा स्क्वायर लग दिया, करेक्ट. तो व्हाट डू यू गेट? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू
आर आर के साथ एक जेड स्क्वायर भी आ जाएगा, वन बाय एन एल स्क्वायर माइनस वन बाय एन एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो यहाँ पे बच्चों हमें R की वैल्यू पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम किसी भी ट्रांजिशन की वेवलेंथ बता सकते हैं। तो बच्चों इसके बेसिस पे हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। इसका क्या लॉजिक है कि बेसिकली मान लो ये आपके पास एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, यहां से आपने एक लाइट ली, एक रेडिएशन ली जो इस सैंपल के थ्रू पास करवाई, ठीक है। व्हेन आई से कि ये कोई रेडिएशन है, मतलब दिस इज कंपोज्ड ऑफ, नॉर्मली तो ये व्हाइट लाइट ही होती है, मतलब इट हैज ऑल वेवलेंथ्स। तो बच्चों जब ये लाइट इस गैस के थ्रू पास करेगी तो इस लाइट में से कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो कि हाइड्रोजन को चाहिए, मतलब आप मानो कि मतलब आइसोलेटेड एच है, आयनाइज्ड एच है, ठीक है, बाय सम मैकेनिज्म। मतलब आयनाइज्ड एच नहीं, आइसोलेटेड एच है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं है हाइड्रोजन के। तो बच्चों क्या होगा, इसके अंदर से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कौन से वाली, जिससे कि हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो सकता है ना। तो स्क्रीन के ऊपर हमें बाकी सारी वेवलेंथ्स तो मिल जाएंगी बट कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी। ये कौन सी वाली होंगी जो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर ली एक्साइट होने के लिए, राइट? वो कौन कौन सी होंगी? वन टू टू, वन टू थ्री, वन टू फोर एंड सो ऑन, राइट?
मतलब यहाँ पे सारी वो वाली वेवलेंथ होंगी जो वन से स्टार्ट हो रही है जिनका ट्रांजिशन, यहाँ पे आपको 3 to 4 या 5 to 7 वो नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगेन यहाँ पे फिर आप वो क्वेश्चन उठ सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन, अभी मान लो पहले उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, वो n इक्वल टू 2 पे है, और अभी डी एक्साइट होने से पहले ही वो एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, सॉरी फोटोन एब्जॉर्ब कर ले और वो n इक्वल टू 4 पे चला जाए। ठीक है, तो यस ऐसा पॉसिबल है, बट वंस अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, बच्चों ये समझ आ गया? सर, हाँ जी सर, वो जो आपने पहले वो डी एक्साइटेशन वाला बताया था, वहां पे एक मिनट करना ऊपर सर। इसमें सर जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है सर, ये कैसे है, ये मतलब क्या है इसका? NC2 नहीं, मतलब ट्रांजिशन मतलब इसमें क्या है, मतलब जैसे 4 से 3 आया फिर 3 से 2 ऐसे? हाँ, तो किन किन पॉसिबल पाथ से डी एक्साइट हो सकता है, मतलब जैसे कि फोर्थ में है तो मतलब 1 तक आने के कितने पॉसिबल वे हैं? हाँ तो सर इसमें सर वो अलग नहीं आ रहा एक बारी क्या? अगर हम ये एक फॉर्मूला लगाएं तो 3 आएगा ना, मतलब अगर n इज इक्वल टू 4 पे है, पर वेज तो ज्यादा है। नहीं, मैंने लिखा है nth एक्साइटेड स्टेट, वो n तो 3 हुआ ना, हाँ वो 3 है ना, 4 नहीं हुआ ना इस फॉर्मूला में? नहीं, हाँ सर, अगर 3 बूट करेंगे तो 3 आएगा ना टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। अच्छा, यहाँ पे मतलब वो आएगा nth स्टेट ही आएगा, एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगा, है ना बच्चों? nth एक्साइटेड स्टेट कहना तो गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमने स्क्रीन को इतना दूर रखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन एटम्स के डी एक्साइट होने से आएंगे वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे। ठीक है, वही तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस है, तो वी विल इंश्योर दैट। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? बस बच्चों इसमें एक चीज बची है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। वैसे आपको केमिस्ट्री में पता है वो, कि वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें वो लाइमन बाल्मर सीरीज जो हम बोलते हैं, राइट? तो नहीं, ये जो n into n minus 1/2 वाला फॉर्मूला है, ये इसी केस के लिए ना, कि n equal to 4 से जब आ रहा है तो हमें दिख रहा है कि 6 आना चाहिए आंसर, तो ये चेक करो। तो बच्चों आप क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, 0-1 के कहाँ तक कर लिए थे हमने लास्ट टाइम?
तो ये ई तक हो जाएगा, इसको डी तक करो, ठीक है, थ्री ए को। बाकी मैंने आपको बताया था आज नहीं है डाउट क्लास अपनी, वो फ्राइडे को रखेंगे, ठीक है। चलो यार आज फिर रह गई इसकी परफॉर्मेंस, कोई नहीं अगली क्लास चार्ट ही उससे करेंगे। सर आप बोलते हो भी और बोल रहे हैं आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को भी याद था बाय चांस किसी ने मुझे बोल भी दिया बट तो नाम क्या उसका नहीं नहीं पता नहीं दिख नहीं रहा कुछ अजीब से नाम साया हुआ है चलो ठीक है बच्चों ओके।